वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी लेसन 16 ऑफ 7th क्लास इंग्लिश। द पिट पीपर्स ऑफ हेमिलिन। फर्स्ट वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। अब हम इसका बी नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक द ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो सेंटेंस हमें यहाँ पर गिवन है, जो सेंटेंस राइट है उस पर हमें ट्रू करना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसमें हमें फॉल्स करना है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है अशोक वाज रीडिंग वर्सेस अलाउड। क्या बोल रहे हैं कि अशोक छंदों की ओर से पढ़ रहे थे। अशोक छंदों की ओर से पढ़ रहे थे तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना है। ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद टोल्ड द स्टोरी ऑफ द पिट पीपर्स। क्या बोल रहे हैं कि आनंद ने पैट पैट की कहानी सुनाई, तो स्टेटमेंट राइट है तो हमें यहाँ पर ट्रू करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पर द पीपल वर नॉट अफ्रेड ऑफ रैट्स। क्या बोल रहे हैं कि लोग चूहे से नहीं डरते हैं। लोग चूहे से नहीं डरते थे तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पर ऑल द देखते हैं फोर्थ नंबर पर ऑल द ग्रेन्स वॉज इटन अप। ठीक है, सभी घास खाते थे तो इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पर द रेट्स वर अफ्रेड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोल रहे हैं कि चूहे बिल्लियाँ और कुत्ता से डरते थे। चूहे बिल्ली और कुत्ते से डरते थे, स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर पर। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्रेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी गई है और जो ऑप्शन गिवन है, जो राइट है उसको हमें चूज करके और ब्लैंक जगह पर फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया गया है, ऑल द ग्रेन वाज ईटन अप बाय। क्या बोल रहे हैं कि सभी दाने खाए गए हैं। सभी दाने खाए गए हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेट्स, तो हमें यहाँ पर रेट्स राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेट्स अटैक द पुअर लिटिल। चूहों ने गरीबों पर बहुत कम हमले किए। चूहों ने गरीबों पर बहुत कम हमले किए हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा किटन्स एंड पिपीस। ठीक है, बिल्ली के बच्चे व पिल्ले। बिल्ली के बच्चे व पिल्ले। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पर, वन डैश वेंट इन अ ग्रुप ऑफ द टाउन हॉल। एक दिन में एक शरीर में टाउन हॉल गया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द पीपल। द पीपल लोगों को। ठीक है, द पीपल मीन्स होता है लोगों को। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फोर्थ नंबर पे, व्हाट इज डैश डूइंग। क्या है इसका आंसर आ जाएगा द मेयर। ठीक है, द मेयर इसका राइट आंसर होगा द मेयर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पर, आई एम नॉट गिविंग यू फाइन वर्क आई एम डैश टू। मैं आपको ढीक शब्द नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको ढीक शब्द नहीं दे रहा हूँ, मैं हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर इसका ओरिड। ओरिड मीन्स होता है चिंतित या फिर चिंता करना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ओरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज आनंद डूइंग। आनंद क्या कर रहा था। आनंद क्या कर रहा था इसका आंसर आ जाएगा आनंद वाज रीडिंग सम वर्सेस अलाउड। ठीक है, आनंद कुछ छंदों की को जोर से पढ़ रहा था। आनंद कुछ छंदों को जोर से पढ़ रहा था। ठीक है, जोर से पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट मेड रवि एंड अशोक स्माइल एट आनंद। आनंद ने रवि और अशोक ने स्माइल क्या की। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा रवि एंड अशोक स्माइल एट आनंद बिकॉज ही वॉज सो इन्वॉल्व इन रीडिंग वर्सेस दैट ही डिड नॉट
नोटिस देम, क्या बोल रहे हैं कि रवि वो अशोक आनंद को देखकर मुस्कुराए, रवि वो अशोक आनंद को देखकर मुस्कुराए क्योंकि वह छंद पढ़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वह छंद पढ़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द पीपल गो वन डे, लोग एक दिन कहाँ गए, लोग एक दिन कहाँ गए। इसका आंसर आ जाएगा पीपल वेंट टू द टाउन और टू मीट द मयूर ऑन डे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लोग एक दिन मेयर से मिलने टाउन गए। ठीक है, मेयर से मिलने टाउन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द मेयर, वेयर वाज द मेयर, मेयर कहाँ रहता है, मेयर कहाँ रहता है। इसका आंसर आएगा द मेयर वाज इन द हॉल विथ हिज काउंसिलर्स। ठीक है, मेयर अपने पार्षदों के साथ हॉल में रहते हैं। ठीक है, मेयर अपने पार्षदों के साथ हॉल में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर दी काउंसलर्स इज कॉन्स्टेंट फेवर ऑफ, लगातार डर में पार्षद क्या कर रहे थे, लगातार डर में पार्षद क्या कर रहे थे। इसका आंसर आ जाएगा द काउंसलर वर इन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग दियर जॉब्स, पार्षद अपनी नौकरी खोने के लगातार भय में थे। ठीक है, जो पार्षद थे वे अपनी नौकरी खोने के लिए लगातार भय में थे। ठीक है, लगातार उन्हें से लग रहा था कि हम अपनी नौकरी खो बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द मेयर वेंट टू शटल थिंग्स, मेयर कितने समय के लिए चीजों को निपटाना चाहते हैं, मेयर कितने समय के लिए चीजों को निपटाना चाहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा द मेयर वांटेड 2 मंथ्स टाइम टू शटल थिंग्स। ठीक है, मेयर चीजों को निपटाने के लिए 1 महीने का समय चाहते हैं। द मेयर वांटेड 2 मंथ्स टाइम टू शेटल थिंग्स, मेयर चीजों को निपटाने के लिए 1 महीने का समय चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द मेयर प्रोमिस द पीपल, मेयर ने लोगों से क्या वादा किया, मेयर ने लोगों से क्या प्रोमिस की, क्या वादा किया। इसका आंसर आएगा द मेयर प्रोमिस्ड द पीपल टू गेट इट ऑफ एट इन अ वर्क टाइम्स, क्या मेयर ने लोगों को 1 सप्ताह के समय में चूहों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। ठीक है, मेयर ने लोगों को कहा था कि 1 महीने में चूहों को 1 सप्ताह में छुटकारा दिलाने का वादा किया था। ठीक है,